ये क्या किया है, बच्चा लग रहा। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। 75 हार्ड डे चैलेंज एक्सेप्टेड। ये व्लॉग अब 75 दिन ऐसा ही चले, ठीक है, बट वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल सकता। रील्स भी ऐसे ही जाएंगे इंस्टाग्राम में। मैं, जैसे मैंने बताया, मैं जर्मनी में रहता हूँ, बर्लिन, तो हार्ड है कि, है ना, रोज नई नई वीडियोस डालना, एडिटिंग करना, क्योंकि पूरे दिन इसी में ही चल जाता है और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बंदे को करना घूमना ये सारी चीज़ें। तो इसलिए शायद मे भी कभी ना कभी स्किप हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का है हमारा पहला दिन, क्या है क्या नहीं है ये मेरे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आगे चलते हैं। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। 75 हार्ड डे चैलेंज का जो मेरा पहला रूल है वो है, आज तुम्हारी बियर्ड पूरी क्लीन शेव होगी। बिकॉज इसमें इसलिए मैं क्लीन शेव कर रहा हूँ, आपको ये ना लगे मैं कोई ऑयलिंग वॉइलिंग लगा रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी कभी जेनेटिकली भी है, ये जो लोग आपको बोलते थे कि बियर्ड ऑयल लगा दो, ये ऑयल लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो 75 डेज तक मैं 75 डेज नहीं, आज क्लीन कर रहा हूँ और कभी कर सिर्फ ये आउटलाइन दूंगा ताकि एक बस टेक्सचर रहे, बाकी कोई भी ऐसे ना बियर्ड को कोई मतलब मैं लेवल नहीं दूंगा। तो क्लीन शेव से स्टार्ट होगी और इसमें मैं आपको पहले अभी रूल्स बता देता हूँ मेरे क्या क्या है। एक टाइम ही जिम जाऊंगा क्योंकि भाई मेरे को काम होता है, मैं दो टाइम जिम नहीं लगा सकता। वाटर क्वांटिटी हाई लेवल होगी, प्रोटीन हम ले आए, ठीक है, बहुत सारा चूना लग चुका है प्रोटीन में। भगवान पर कैसी लग रही है? तो ये अभी ये पहला है, उर्वास की आग। पर बच्चा लग रहा है, बच्चा लग रहा है। पर मैं कसमी वादा था, ये मैंने अपने इंडिया में भी करी थी, ये ना मेरी इतनी बड़ी थी तभी करके ना ये गोल सा मुंह लगता था पूरा मेरा। अभी जैसे कुछ खाना नहीं पीना नहीं, तो ये ऊपर चली गई है तो पतला सा लग रहा है। अज दा रांझा, हाँ जी बाबे, हो क्या हाल है, कैसा लग रहा है? सो ये हार्ड 75 डे चैलेंज का, ठीक है, देख लियो 90s का लुक लग रहा है। तो इसके बाद अभी घर वालों को भी फोन किया जाएगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो ये था मेरा पहला टास्क जो कि मैंने पूरा कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये बियर्ड कैसे आएगी कैसे नहीं, ठीक है। और अब हम खाना खुना बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, चाय बन गए, भाई चाय लेकर आ गया हमारे लिए, ठीक है, भाई चाय लेकर आ गया हमारे लिए। और अब खाने की प्रिपरेशन होगी क्योंकि बिकॉज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी करना है हम लोगों ने, तो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो स्पैगेटी सोचिए, स्पैगेटी बनाएंगे और प्याज पहले भुनेंगे, सामान भी धोना है, सब कुछ करना होता है यार, एक स्टूडेंट की लाइफ यही होती है। अभी एक प्रोटीन शेक बनाएंगे जिसमें हम एक बनाना डालेंगे, पहले उसको मैं ग्राइंड करूँगा और फिर उसके बाद ग्राइंड करने के बाद उसमें एक स्कूप मतलब मैं प्रोटीन का डालूँगा बिकॉज अभी मेरा काफ़ी टाइम में फर्स्ट टाइम है। फिर मिल्क डाला जाएगा थोड़ा सा, मतलब आधा गिलास मैंने मिल्क डाला था। फिर उसको अच्छी तरह प्रॉपरली हम उसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद थोड़ा थोड़ा अपने खाने को भी देखेंगे। स्पैगेटियाँ थोड़ा बहुत तैयार हो चुकी, मील है रेडी, स्पैगेटी और ये एक गिलास हमारा जो प्रोटीन शेक है जिसमें बनाना, दूध और यार क्लीन शेक भी कैसा लग रहा है। तो ये अभी हम खाएंगे और फिर अभी हमारा टाइम कितना होगा टाइम भी देखना है, 12 बजने वाले, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, 4 मिनट में मुझे रेडी भी होना है क्योंकि खाना पीना खाकर और काम की भी आपका।
बब्बे हमें ऑर्डर आ चुका है जेड़ा -8 पहली 8 मिनट लेट है ऑर्डर रेडी यहाँ पर हमें जाना है और फिर उसके बाद हमें ये यहाँ डिलीवर करना है इस जगह में। पहले अपन ने निकाल लिया है बेचारी हार ले गई साड़ी टूट गई थोड़ी सी उसको बाद में हम सही कराएंगे। उसी के साथ हमें दूसरा ऑर्डर भी आ गया यहाँ से उठाना है और यहाँ समुद्र के किनारे देना है ठीक है। मुझे ना ये एरिया बहुत प्यारा लगता है मतलब जब भी मैं इस जगह से डिलीवरी लेकर जाता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है और देखो लोगों ने बोटों में अपना घर बनाया हुआ है और एवरी समर्स ये लोग यहाँ पर रहते हैं और चिल पार्टी करते हैं। अभी घर वालों को फ़ोन करते हैं और चेक करते हैं उनका रिएक्शन क्या है इस चीज़ में ठीक है। ये क्लीन शेव में उम्मा को पहले कॉल लगाते हैं। लेट्स सी। हेलो कैसे हो? ये क्या कर दिया है? ये बस अब कर दिया जो करना। ये तो बच्चा लग रहा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। चलो ठीक है ठीक है सही है सही है। मैं क्या आज काट दिया भड़काई जय जय है। आए आए सही है नहीं पर सही। आप क्या बोल रहे थे? छैली लग रहा है। अच्छा ठीक है अगली बार। अरे 75 हार्ड डे चैलेंज है क्लीन शेव होकर फिर उस तो जिम जूम लगाना प्रॉपर डाइट। हाँ जी दोपहर के काम करने के बाद फिर आते हैं मील का टाइम सेकंड मील और अब वो सेकंड मील हम फिर से स्पैगेटी खाएंगे। तैयार होता हूँ जिम के लिए खाने के बाद और जिम के लिए तैयार होने के बाद फिर अब अपना शेकर उठाकर प्री वर्कआउट पी लेता हूँ और फिर उसके बाद दोस्त बोलते हैं चले फिर हम दोनों जाते हैं। प्री वर्कआउट में बनाना ज़रूरी है बिकॉज मैं फैट गेन कर रहा हूँ इसलिए। जाते जाते ना मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छी लगती है हमारे जिम के पास में। इसमें मैं और मेरा दोस्त रोज फोटो खींच कर अपने स्नैपचैट में स्ट्रीक भेजते हैं और सबको मज़ा आता है सबको जलाते हुए ना। ये मेरा दोस्त है और ये है ईस्ट साइड मॉल। यहाँ पर हम जिम करते हैं एक मॉल के अंदर जो कि बहुत अच्छी जगह है और मुझे बहुत प्यारी लगती है यहाँ पर जिम मारना। फिर चलते चलते जिम में एंट्रेंस होती है यहाँ पर मैं अपना कार्ड टच करता हूँ और अंदर जिम के चले जाता हूँ और ये मेरा लॉकर है हम दोनों का और ये हम लॉक करते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ 75 दिन मतलब आज पहला डे है ये देख लो मेरी बॉडी कैसी है। 75 दिन बाद देख लेना मेरी बॉडी कैसी होगी। अब जिम स्टार्ट करना है तो थोड़ी बहुत पहले है ना स्ट्रेचिंग होती है। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ लेग डे आज मेरा और बात यह मैं एकदम लाइट वेट उठा रहा हूँ क्योंकि मेरा सेकंड वीक है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे लेग्स में कोई बड़े बड़े क्रैम्प्स आएँ ताकि मैं कोई भी जॉब करने के लिए अवेलेबल ना रहूँ उस टाइम और मुझे अनपेड लीव लेनी पड़े। तो इसलिए मैं बहुत लाइट वेट लगा रहा हूँ अपने बॉडी को कोई नुकसान नहीं देना चाहता हूँ बट आफ्टर दैट जैसे 1-1.5 महीने के बाद मैं भी हैवी वेट मारूंगा। तो ये सबके 3-3 रैप्स मारने हैं काफ के लंजेस और मैंने स्क्वाट्स मारे थे। अब इसके बाद लास्ट टाइम में मैं अपनी फिर से स्ट्रेचिंग करता हूँ बिकॉज स्ट्रेचिंग मस्ट है आपको पता है लेग्स के स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बिकॉज वरना आपको पता है जम जाते हैं और लड़खड़ाने लग जाते हैं तो इसलिए मुझे स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी लगती है। तो लेग्स की स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ मैं इस टाइम और बकायदा एवरी पार्ट्स की ताकि कोई पेन ना रहे अगर मैं रात को है ना रेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी क्रैम्प्स ना पड़ जाए उसी टाइम और मॉर्निंग टाइम में भी क्योंकि आपको पता है जॉब करनी होती है स्टूडेंट लाइफ है स्टडी भी करनी होती है एवरीथिंग। इसके बाद हम जाते हैं फिर एक जगह में जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत चीज़ें खरीदनी होती है हमने बनाना promotion done now for me is 2 euro I do promotion for you। सो ये थी रात की मील। रात की मील अब खाकर अब मैं सो जाऊंगा। ये था मेरा डे फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल एवरीवन।